हाय आमिर। हाय सरुप्रिया। 2 महीने के बाद आपके फ़ोन की घंटी बजी है, कैसा लग रहा है? 2 महीने के बाद जो अभी मैं यहाँ की कश्मीर की और पर्सनली जब बात करूँ, आज सुबह मैं ड्राइव कर रहा था एंड सडनली मेरे फ़ोन पे एक कॉल आती है एंड मैं बड़ा शॉक में रहता हूँ कि अचानक से बेल कैसे आया। एज एक्सपेक्टेड था फ़ोन खुलने वाले हैं, लेकिन मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग से चेक कर रहा था नेटवर्क आया कि नहीं आया, नहीं आया एंड सडनली जब कॉल आया तो इट वॉज लाइक 2 महीने के बाद आप कश्मीर में अपने फ़ोन की रिंग बेल सुन पा रहे थे। तो बड़ा शॉकिंग था, एक्साइटिंग भी था, क्योंकि उसके बाद हमने जितने भी कश्मीर में लोग थे जिनसे हमारी 2 महीने से बात नहीं हो पा रही थी, हमने उनको कॉल करने की कोशिश की, जिसमें से आधे तक के लोगों को कॉल लग पाई, क्योंकि जिनके पास पोस्ट पेड थे सिर्फ उन्हीं को मैं फ़ोन लगा पाया। मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, मेरे पीछे BSNL का एक्सचेंज है श्रीनगर का, यहाँ पर अंदर अगर आप गेट के अंदर देखें वहाँ पर सैकड़ों की तैदाद में लोग लाइनों में खड़े हैं, क्योंकि 2 महीने से लोग अपने फ़ोन्स की बिल नहीं पे कर पा रहे थे। उन्होंने कुछ उसकी बिल नहीं भरी, जिसकी वजह से उनकी इनकमिंग्स एंड आउटगोइंग बंद हो गई थी। तो आज लोग कतारों में, चाहे आप जियो का ऑफिस देखें, BSNL का ऑफिस देखें, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन के ऑफिस हैं उनके सामने लंबी लंबी कतारें हैं, लोग उनके ऑफिस के बाहर खड़े हैं अपना बिल पे करने के लिए, सड़कों पे भी। लेकिन जहाँ तक हम नंबर्स की बात करें, अराउंड 40 लाख तक ही लोगों के पास पोस्टपेड नंबर्स है यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट 50% यहाँ की पॉपुलेशन है। तो उसके हिसाब से 50% अभी भी जनता यहाँ पे है जिनके नंबर्स नहीं चल रहे हैं, जो प्रीपेड ओनर्स है। तो आपने भी और लोगों से बात की होगी, उनके बीच में क्या माहौल है? अब वो थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, या और क्या बातें कह रहे हैं? तो लोगों के बीच में मिक्स्ड फीलिंग्स है। हम सुबह से लोगों से मिल रहे थे, लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इतने दिनों के बाद उनके नंबर्स चल रहे हैं। तो फीलिंग्स मिक्स थी। हम हस्पताल गए, हस्पतालों में लोगों के अंदर खुशियां थी। जो लोग 10 दिन से ज़्यादा हॉस्टल में थे उनका ये कहना था कि अब हम किसी को कॉल कर सकते हैं अपने गाँव में जो हमारी मैसेज आगे तक पहुँचा सकता है। हम स्टूडेंट्स से मिले, स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमें नहीं पता था कि हमारे एग्जामिनेशन के फॉर्म्स कब निकले हैं, जो नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है वो नहीं भर पा रहे थे, लेकिन इससे उनके पास एक इन्फॉर्मेशन कम से कम मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक मायूसी भी है उन लोगों के पास जिनके पास पोस्ट पेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो यंग क्लास है, जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है या जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो मेजॉरिटी में उनके पास प्रीपेड है। जहाँ तक हम पोस्ट पेड्स की बात करें, वो ज़्यादातर सरकारी मुलाजमों के पास है या जो लोग किसी नेशनल लेवल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उनके पास पोस्टपेड नंबर से भी है। तो खुशियां भी है, लेकिन कोई एक सेक्शन ऐसा है जिनके अंदर मायूसी भी है कि उनके नंबर क्यों नहीं चल पा रहे हैं और कब चलेंगे। तो प्रीपेड और इंटरनेट का अभी क्या चांस है? क्या वो भी जल्दी ही लोगों के लिए खुलेगा? अभी जहाँ तक हम प्रीपेड फ़ोन की बात करें या इंटरनेट की बात करें, उसके आसपास अभी कोई वैसी आशंका नहीं है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वैसी इंडिकेशन, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि प्रीपेड कब शुरू किया जाएगा और इंटरनेट कब रिस्टोर होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें ये बोला गया था कि टूरिस्ट कश्मीर वापस आ सकते हैं, अब टूरिज़्म के लिए कश्मीर फिर से ओपन है, जिसकी बरक्स, जिसके मद्देनज़र रख के हमने ये देखा गवर्नमेंट ने इंटरनेट कैफेज़ खोले। गुलमर्ग की हम बात करें, सोनमर्ग, टनमर्ग, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, टूरिज़्म की डेस्टिनेशन है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने इंटरनेट कैफेज़ खोले हैं जो यात्रियों के लिए है, जहाँ पे यात्री उसे यूज़ कर सकते हैं। वो सब देखने के बाद हमें ये लगता है कि इसी वैसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि इंटरनेट कितना जल्दी रिस्टोर हो सकता है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट इंटरनेट कैफे जगह जगहों पे खोल रहे हैं, जहाँ पे टूरिस्ट के लिए अलग जगह पे इंटरनेट कैफे हैं, जर्नलिस्ट के लिए मीडिया सेंटर अलग से है, स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरनेट का सेंटर अलग है जहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब देखने से हमें यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इंटरनेट रिस्टोर होने के आशंका बहुत कम दिखाई दे रहे हैं जी। इसके अलावा, ये तो सिर्फ फ़ोन लाइन खुली है उसके बारे में बात है, लेकिन इसके अलावा अभी फ़िलहाल जो ग्राउंड पे किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? तो ग्राउंड में जो ग्राउंड की जो सिचुएशन है, अभी रिस्ट्रिक्शंस कम्प्लीटली हटा दी गई है, लोगों के चलने फिरने की मूवमेंट्स पे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो सब हटा दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ दुकानें जो है वो वैसी की वैसी बंद पड़ी हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से अभी भी गायब है। तो अभी जो हम सड़कों पे देख पा रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो सिर्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं है, दुकानें सारी बंद पड़ी है। इनफैक्ट मेजॉरिटी में जो स्कूल्स है वो अभी भी बंद पड़े हैं। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनेशंस वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू करा पाए, लेकिन अब हम सबकी नज़र इसी पे रहेगी कि वो एग्जामिनेशंस कब होंगे और जो रियल नॉर्मलसी है वो कब तक आएगी, कि अब अंदाज़ा ये लगा सकता है कि शायद
जो कम्युनिकेशन के रिस्टोरेशन के बाद शायद नॉर्मल सी की तरफ कश्मीर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्मल से अभी बहुत दूर लग रही है। जी, मतलब फिलहाल अभी भी शटडाउन की एक स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बात करने के लिए आमिर। थैंक यू सर। रुपया।